डिस्क्लेमर, इस वीडियो में बताई गई किसी भी एडवाइस को बिना डॉक्टर से कंसल्ट करे फॉलो मत कीजिएगा। कोई भी डाइट, वर्कआउट रिजीम या फिर लाइफस्टाइल फॉलो करने से पहले डॉक्टर को दिखाना और वाइटल्स चेक कराना बेहद जरूरी है। डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद और उनके अप्रूवल के बाद ही मेरी डाइट को या वर्कआउट को फॉलो कीजिएगा। स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो आप लोगों को मैंने कुछ वक्त पहले काइजन टेक्निक के बारे में बताया था। अच्छा, होता कुछ इस तरीके से है कि बिकॉज़ मैंने भी वेट लॉस किया है तो एक टाइम के बाद मन नहीं करता है कि वही चीज़ फॉलो करते रहो। होता क्या है कि इस तरीके से डाइट भी ख़राब होती है, आपका जो एक्सरसाइज का रूटीन है वो भी छूटता है। तो अब इंसान सोचता है कि क्या किया जाए। सबसे पहले तो मैं बता दूं मेरा थोड़ा बैकग्राउंड। मेरा वेट बहुत ज़्यादा था और आप समझ लीजिए कि बहुत लंबे वक्त तक तो मैंने चेक भी नहीं करा था। और जब मैंने चेक करा उस दौरान जो मुझे वेट दिखा रहा था 83-84 केजीज दिखा रहा था। आई एम श्योर उससे पहले तो और भी ज़्यादा होगा। कोविड के बाद मेरी एपेटाइट कम हुई और उसके बाद उस दौरान ही मुझे बोथ मेडिटेशन और काइजन मेरी मॉम ने सजेस्ट करी। और इस बार क्योंकि देखिए हमेशा से वो बोलती थी, बट इस बार मैंने डेफिनेटली उस बात को सीरियसली लिया। और काइजन टेक्निक जो होती है वो हर चीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ वेट लॉस पे नहीं, हर चीज़ में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, कोई गोल अचीव नहीं कर पा रहे, कहीं पहुंच नहीं पा रहे, कुछ शुरू नहीं कर पा रहे, काइजन इज़ योर सोल्यूशन फॉर दैट। इसमें क्या होता है कि आपको बहुत कुछ नहीं करना है। तो क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा था और बैठ के घर पे वर्क फ्रॉम होम हो रहा था ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो वो मेरे लिए हमेशा कन्वीनियंट बहाना था कि मम्मा मैं पूरे दिन बैठ के काम करती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ एक्सरसाइज, सॉरी नॉट हैपनिंग। तो मेरी मॉम ने कहा ओके फाइन, डोंट डू इट, बस काइजन आप कर लो। काइजन मैंने कहा क्या है, तो मैं समझी उसका मतलब ये होता है कि थोड़ा थोड़ा शुरुआत तो करो। तो मैंने क्या करा, आप मानोगे नहीं, अनरियलिस्टिक सुनने में लगेगा, एक दिन में आप मानोगे मैंने सिर्फ 500 स्टेप्स करने शुरू करे। कुछ भी नहीं होता, आप बोलोगे कुछ भी नहीं होता, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, हवा भी कम नहीं होगी मेरी बॉडी की, बट कम से कम उससे एक मेरी बॉडी जो बैठी हुई थी वो बैठी सी उठी हुई थी, उठने से चली और चलने से दौड़ने का सफ़र काइजन के थ्रू मैंने पार करा। बहुत ही सही टेक्निक है उन दिनों के लिए जब ऐसा लगता है कि नहीं अब नहीं हो रहा, अब एक्सरसाइज नहीं हो रही, अब डाइट नहीं हो रही। तो अच्छा, ऐसे दिन भी आए हैं जैसे चीट डे होता था, मैं पहले चीट डे नहीं कर रही थी, बट ऐसे जिया नहीं जा सकता। पूरे हफ्ते की एक मोटिवेशन चीट डे की होती है, राइट? और चीट डे पे एक्सरसाइज करने का मन भी नहीं करता। और मेरी बॉडी टाइप हमेशा से कुछ इस प्रकार रही है कि अगर मैं एक्सरसाइज छोड़ दूं या फिर चीट डे पे भी खा लूं तो वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो एक सिंपल सा मैंने सोल्यूशन निकाला कि काइजन ही मैं अपनाऊंगी। चीट डे पे हैवी मील खाने के 2 घंटे बाद मैं खड़े होकर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, चाहे मुझसे नहीं हो रही स्पीड में वॉक, मेरा मन नहीं है, मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी, बट ऑन द स्पॉट वॉकिंग मैंने शुरू करी। और टीवी देखते देखते धीरे धीरे कब 5,000 स्टेप पूरे हो जाते थे ऑन द स्पॉट, पता भी नहीं लगता था। इस तरीके से इवन तो मैं हार्डकोर एक्सरसाइज नहीं कर रही थी, बट कम से कम मैं बैठी तो नहीं थी। तो अगर आपको लाइफ में इंस्पिरेशन चाहिए, अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं अब नहीं हो रहा, या फिर वेट लॉस का कल 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 पे टालते हो, तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप खड़े हो जाओ और 500 स्टेप से शुरुआत करो रोज। और उसके बाद एक आपको एम बनाना है, पहले 500। काइजन का मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। एक दिन 500, फिर 4 दिन के बाद 750 स्टेप। आप मानोगे विद इन 4 वीक्स आई वॉज एट 5,000 स्टेप्स, मे बी अर्लियर देन दैट। और मेरे लिए बड़ा आसान हो गया था क्योंकि मुझे तो, मैंने अपनी स्ट्रेंथ को धीरे धीरे बिल्ड करा ना। एक ही दिन में मैंने पतली सी ईंटों का मीनार नहीं खड़ा करा, मैं बेस बना रही थी। बेस मतलब अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बना रही थी। और डाइट का भी यही है, आप एकदम से 5 रोटी खाने वाले इंसान को 1 रोटी खाने को बोलोगे वो छोड़ देगा? नहीं। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो था कि 2 रोटी में भी मुझको वो लग रहा था और अच्छा खासा वेट गेन था क्योंकि एक्सरसाइज भी नहीं थी। बट 2 रोटी में किसी का वेट नहीं बढ़ता, यहाँ पे मेरा केस बहुत ही अलग था। एंड इस वजह से मैंने 2 की 1 रोटी कर दी रात को, जो कि बहुत मुश्किल था। अच्छा, जो लोग 5 रोटी खाते हैं वो 4 तो कर सकते हैं, जो 4 खाते हैं वो 3 तो कर सकते हैं, रोटी बंद करते हो वो आप पे है। किसी ने मुझे कहा भी था कि आप PCOS के वो हो तो आपको ग्लूटेन का वो होता होगा। मैंने ये बोला देखिए रोटी मैं खाना बंद नहीं कर सकती, कम कर सकती हूँ, उसके बाद वॉक कर सकती हूँ, कुछ चीज़ें आप लाइफ में बंद नहीं कर सकते। आई नो डॉक्टर
डॉक्टर्स कहते हैं ज़रूरी है, बट मैंने अपने लिए एक रोटी रखी, आटे की एक रोटी, मैं पतली सी छोटी सी रोटी खाती हूँ अपनी संतुष्टि के लिए, क्योंकि अदरवाइज मैं लाइफ नहीं जी सकती, मैं भूखे रह के लाइफ नहीं। आई एम अ फूडी, आई लव फूड, इट इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग फॉर मी, इट हेल्प्स रिड्यूस माई स्ट्रेस, बट इट इज़ नॉट दैट ग्रेट फॉर माई बॉडी वेन इट कम्स टू ऑयली फूड। और उस तो उतने भी छोले भटूरे, सोचो आप एक बार ना तो फिर छोले भटूरे का मन, खैर वो तो मैं नहीं खा पाती, आज भी छोले भटूरे तक मैं पहुंच नहीं पाई हूँ। चीट डे पे कोई भी तली हुई चीज़ मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ, और बहुत कोई स्ट्रेच करेगा तो दो की जगह सब दो खाते हैं, मैं एक छोला भटूरा खाऊंगी, एक मतलब भटूरा लूंगी, एंड दैट इज़ हाउ आई डील विद माई चीट डेज। इट इज़ नॉट अ नॉर्मल चीट डे जहाँ आप तीन मील हैवी खा सकते हो, वो मेरा केस नहीं है, पर अगर मैंने किसी दिन ऑयली खाना खाया है तो मेरा ये रहता है कि 12,000 से 15,000 स्टेप और साथ में कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है, बट आफ्टर टेकिंग एटलीस्ट 2 आवर ऑफ गैप बिटवीन द टाइम जब मैंने खाना खाया है और एक्सरसाइज कर रही हूँ। नहीं तो फिर क्या होगा, वो जो मेटाबॉलिज्म की तरफ आपका आपकी बॉडी काम करती है वो आपके एक्सरसाइज की तरफ करेगी, और खाना आपको हजम नहीं होगा, उससे आप बॉडी डिस्टर्ब करोगे। तो प्लीज़ 2 घंटे का ब्रेक खाने के बाद और एक्सरसाइज से पहले आपको रखना है। अगर इमिजिएटली आप खाने के बाद शुरू हो जाओगे एक्सरसाइज करना, नहीं। हाँ, जो लोगों को शुगर है उनका पता ही होगा सबको कि खाने के बाद थोड़ी सी स्लो पेस्ड वॉक इज़ वेरी गुड टू ब्रिंग डाउन यू नो योर शुगर लेवल्स, और उस केस में आप कर सकते हो, पर मैं यही कोशिश करती हूँ कि एडिक्वेट गैप लेके, हाँ मैं लेटती नहीं हूँ खाना खाती, हल्का बहुत मैं चलती हूँ, पर उसके 2 घंटे बाद जब मेरा खाना हजम हो जाता है अच्छे से, 2 या 3 घंटे, फिर मैं करती हूँ हार्डकोर एक्सरसाइज, और चीट डे पे भी मैं यही करती हूँ। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, और जहाँ पे आपकी मोटिवेशन ख़त्म हो जाए कोई बात नहीं, दैट डे इज़ फॉर यू। कभी कभी अपने मेंटल हेल्थ को भी वक्त देना चाहिए, बॉडी को दिया, अब दिमाग को दीजिए। आपकी बॉडी नहीं मान रही है, होते हैं दिन नहीं मानती जी, 10,000 स्टेप नहीं, कोई बात नहीं, अगले दिन डबल कर लेना। अगर आप सोचो नहीं मैं डबल नहीं कर सकता, इट्स फाइन, उसी दिन सेम डे अपने 5,000 स्टेप को 1,000-1,000 के उसमें आप डिवाइड कर दो, नहीं होते कोई बात नहीं, पर 5,000 स्टेप को आप और आधे में कर दो। मैं उनके लिए कह रही हूँ जो स्टार्ट कर रहे हैं, अदरवाइज आई विल रिकमेंड 10,000 to 15,000 steps फॉर अ ग्रेट एक्टिव लाइफ स्टाइल। इनिशियल स्टेजेस में 5,000 स्टेप्स, और अगर आपको बिल्कुल फिट रहना है और कोई एक्सरसाइज और नहीं करनी बट उसके बाद भी, तो रनिंग कीजिए 20,000 स्टेप, एब्सोल्युटली आप परफेक्ट हो जाओगे। बट ऑल ऑफ दिस ओनली आफ्टर कंसल्टिंग विद योर डॉक्टर, नॉट बिफोर दैट। नहीं, आपको बस अपने आप से कुछ नहीं शुरू करना, काइजन शुरू करने से भी पहले जाइए और अपने सारे टेस्ट कराइए, शो योर सेल्फ टू अ डॉक्टर। आप ये तो पता करिए कि आपकी बॉडी में क्या कम है, क्या ज़्यादा है, क्या सही है, क्या गलत है। हीमोग्लोबिन किसी का कम होगा, शुगर किसी की कम है, बीपी का किसी को इशू है और हार्ट को एक्सरसाइज शुरू कर दी, बिल्कुल भी नहीं। आप समझिए आपकी बॉडी कैसी है, आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और वो होगा वाइटल्स चेक कराने के बाद। अगर किसी को नहीं पता, आप किसी भी जनरल फिजिशियन से पूछ सकते हो। मैं जो वाइटल्स हमेशा चेक कराती हूँ वो मेरी होती है लिपिड प्रोफाइल, और इसके अलावा साथ में CBC होता है, और ये 2 चीज़ें, और साथ में कभी कभार मैं डायबिटीज़ का फॉर प्रिकॉशन, बिकॉज मेरे परिवार में मेरी दादा दादी को डायबिटीज़ रही है, तो फॉर प्रिकॉशन मैं डायबिटीज़ का भी करा लेती हूँ, जस्ट टू चेक कि हाँ आई एम नॉट प्री डायबिटिक। और ये भी होता है, अच्छा जब मैं ओबीस थी आई वॉज प्री डायबिटिक, नाउ आई एम नॉट, वाई, बिकॉज मैंने अपनी हेल्थ को ठीक करा। जब मैं ओबीस थी मुझे ये थायरॉयड था, अब नहीं है विद गॉड्स ग्रेस, वाई, बिकॉज वही बात है एक्टिव लाइफस्टाइल बीच में। हाँ अच्छा, एक और चीज़ प्लीज़, ये आइडियल बॉडी टाइप की बातें करना सारे छोड़ दो। कई लोग ना वेट लूज भी कर लेते हैं, उनको मोटा मोटा कहा जाता है, पता है क्यों? क्योंकि सारे लोगों की बॉडी परफेक्ट, वो जो परफेक्ट स्टैंडर्ड्स है ना कोरिया वाले, वो नहीं हो सकते, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर सोसाइटल स्टैंडर्ड्स। आइडियली देखा जाए सबके बॉडी टाइप अलग होते हैं, आपको किसी एक कन्वेंशनल बॉडी टाइप में फिट इन नहीं होना, नहीं। एज फार एज यू आर फॉलोइंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, एज फार एज यू आर ईटिंग हेल्दी, एंड एज फार एज यू आर नॉट लीविंग होप नहीं छोड़नी लाइफ में, ठीक है, कुछ भी हो जाए। और बाकी मैंने आपको डाइट बता दी है, अगर आपको कहीं भी एनर्जी कम लग रही हैव ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। अच्छा, सुबह की मेरी डाइट है, जल्दी से बता देती हूँ, मैं एक परौंठा खाती हूँ बिना ऑयल का, हाँ जी वो आटे का ही होता है बट बहुत पतला सा होता है, दही के साथ खाती हूँ। शाम को यूजुअली मैं राइस केक्स विद पीनट बटर लेती हूँ, अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं ले रही, मैं 1 कप चाय का ले लेती हूँ, एंड वो भी स्किम्ड मिल्क का, और साथ में 2 शुगर फ्री बिस्किट्स, वो जो मल्टीग्रेन वाले होते हैं, और रात को मैं 1 पतली रोटी, जो सब्जी होती है काफ़ी होती है, ठीक है,
वो मैं इसलिए लेती हूँ कि मुझे रात को वॉक करनी होती है काफ़ी, तो सब्जी काफ़ी होती है, रोटी पतली सी होती है एंड दैट्स ऑल। ये यही मोस्टली मेरी डाइट रहती है, इसके अलावा मैं कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं लेती। और चीट डे पे मैंने आपको बता दिया है, अगर आपकी टेंडेंसी ऐसी है कि मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हैव वन चीट डे, बहुत ही बढ़िया है, या फिर हो गया है बढ़िया, यू कैन हैव टू चीट डेज। बट ट्राई कीजिएगा, अगर आप वेट लॉस पे हैं तो चीट डे के दिन अपनी एक्सरसाइज को छोड़िएगा मत। अपने स्टेप्स 5,000 कम से कम पूरे ज़रूर कीजिएगा, और जब किसी दिन भी मोटिवेशन ख़त्म हो जाए, कम बैक टू स्क्वायर वन, 500 स्टेप्स से शुरू कर दीजिएगा। एक दिन वापस से 5,000, और फिर वापस से 10,000, और फिर वापस से 15,000 पे पहुंच जाओगे। पहुंच जाओगे आप ही तो थे वो जो 15,000 करते थे स्टेप्स, आप ही तो थे जिसने शुरू किया था। हो जाता है, इंसान है, परफेक्शन अचीव करने के लिए पैदा नहीं हुए हम, अपने फ्लॉज मान के आगे बढ़ने के लिए हुए हैं। सो कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप थ्राइविंग, कीप अचीविंग योर गोल्स। और वेट लॉस का मैंने आपको बता दिया है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, बस काइजेन को फॉलो कीजिएगा, प्रभु का नाम लेते हो आगे बढ़िएगा, एंड देन यू विल बी सॉर्टेड। दैट विल बी ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।